हेलो एवरीवन, आज है 24 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं स्पाइस जेट के बारे में। देखिए 45 रुपीज के आसपास ये शेयर पहुंच चुका है। एक बहुत बड़ी रैली हमें देखने को मिली है, गिरावट भी आई थी लेकिन बाद में शेयर ने बढ़िया बाउंस बैक भी किया है। और हाल फिलहाल में एयरलाइन सेक्टर को लेकर एक बहुत ही बढ़िया और पॉजिटिव खबर भी सामने आ रही है कि भैया एयरलाइन जो है मतलब फ्लाइट्स जो है वो वापस से शुरू होने जा रही है और इसी के चलते शेयर में हमें तेजी देखने को मिली है। देखिए अगर आप मुझे रेगुलर फॉलो कर रहे हो तो मैंने हमेशा कहा था कि देखिए स्पाइस जेट और इंडिगो दोनों ऐसे शेयर है जिस दिन अनाउंसमेंट होगी शेयर दौड़ना शुरू कर देगा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे, चलो शेयर दौड़ तो रहा है, क्या भरोसा कर सकते हैं कि नहीं कि भैया ये कंटिन्यूस आगे दौड़ता ही जाएगा। तो देखिए उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि स्पाइस जेट अभी 45 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने की हम बात करें तो पिछले एक महीने में 1% से 2% का ग्रोथ जरूर है। 39 रुपीज के ऊपर शेयर था, तेजी आई 45 पे आया, फिर गिरावट आई 40 पे टूट गया, फिर अब वापस तेजी आई 45 पर पहुंच गया। एक साल की बात करेंगे तो 65% तक की गिरावट है। 150 रुपए से शेयर गिरता हुआ नीचे आया, बाउंस बैक किया, उसके बाद कंटिन्यूस ये शेयर गिरा है। और जब भैया कोरोना की खबर आई, जब धीरे धीरे लॉकडाउन लगना शुरू हुआ, जब इंटरनेशनल फ्लाइट्स बैन हुई, जब डोमेस्टिक फ्लाइट्स बैन हुई, शेयर टूट कर बिखर गया नीचे, 32 रुपए तक चला गया, 32 रुपए तक। लेकिन बाद में धीरे धीरे बाउंस बैक किया, 45 तक पहुंचा, फिर गिरावट आई, फिर तेजी आई, 45 तक फिर से पहुंच गया है। 3 साल की अगर हम बात करें तो 3 साल में स्पाइस जेट के शेयर में 56% की हमें गिरावट देखने को मिली है। 150 रुपए तक का हाई है। देखिए इससे पहले भी गिरावट थी लेकिन शेयर ने बढ़िया बाउंस बैक कर लिया, लेकिन COVID-19 के चलते एक बहुत बड़ी गिरावट से ये शेयर जरूर जूझ रहा है। देखिए स्मॉल कैप स्टॉक है ये, तकरीबन 2,700 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। NSE में अगर हम देखने जाएंगे तो 11 लाख के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड हमें देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर ने थोड़ी सी होल्डिंग जरूर गिराई है, FIs ने बहुत बड़ी होल्डिंग गिराई है और म्यूचुअल फंड ने बहुत बड़ी होल्डिंग खरीदी है। प्रमोटर के पास जो पहले 59.96% की होल्डिंग थी, अब वो 59.93% की होल्डिंग है। थोड़ी सी होल्डिंग प्रमोटर ने यहाँ पर गिराई है। FIs ने बहुत बड़ी होल्डिंग गिराई है, जो पहले 4.90% की होल्डिंग थी, अब वो 1.71% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड के पास जो पहले 6.85% की होल्डिंग थी, अब वो 10.28% की होल्डिंग है। इंश्योरेंस कंपनी ने यहाँ पर हाथ बिल्कुल भी नहीं डाला है। नॉन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर की बात करें तो उनके पास 27.71% की होल्डिंग है। प्रमोटर की बात करें तो भैया यहाँ पर अजय सिंह की, जिनके पास 50% से भी ज्यादा की होल्डिंग है, और तकरीबन 44% की प्रमोटर की होल्डिंग गिर भी है। 9 म्यूचुअल फंड स्कीम ने अपना पैसा लगाया, 60 FIs यहाँ पर इन्वेस्टेड है। हाईएस्ट पब्लिक शेयरहोल्डर की बात करें तो HDFC ट्रस्टी कंपनी है, जिनके पास 5.64% की होल्डिंग है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 22.75% देखने को मिली है। और तो और अगर हम बात करें लेटेस्ट अपडेट की तो भैया यहाँ पर यह है कि फ्लाइट सर्विस शुरू हो चुकी है और ये पॉजिटिव खबर है, बट द स्काई लुक्स हैजी फॉर एयरलाइन स्टॉक। लेकिन देखिए फ्लाइट सर्विस भले शुरू हो गई है लेकिन फिर भी एयरलाइन स्टॉक्स के लिए सिचुएशन अभी भी उतनी अच्छी हम प्रिज्यूम नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर यह है कि चलो मान लीजिए कि अभी सर्विस शुरू हो गई लेकिन कभी भी सस्पेंड हो सकती है अगर केसेस और ज्यादा बढ़ना शुरू हो गए तो। और दूसरी बात यह कि अभी जो सर्विसेज शुरू और जो स्टार्ट की जा रही है वो मुझे लगता है कि सिर्फ टेम्पररी बेसिस पर होगी। रीजन ये है कि भैया अभी क्या है कि कुछ लोग सिटीज में फंसे हुए हैं, उनको कहीं और पहुंचना है, कहीं और जाना है, तो वो लोग मुझे लगता है कि आने वाले 15 दिनों में वो लोग चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या, उसके बाद तो भैया मुझे नहीं लगता कि कोई कहीं और जाने वाला है, कोई उतना ज्यादा ट्रैवल करने वाला है। तो इसीलिए एयरलाइन स्टॉक्स जो मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में तेजी आएगी लेकिन बाद में शेयर में एक गिरावट के लिए भी हमें प्रिपेयर रहना पड़ेगा। इंटरनेशनल फ्लाइट तो मुझे लगता नहीं कि 3 महीने तक शुरू हो पाएगी। दूसरी यहाँ पर यह है कि देखिए एयरलाइन स्टॉक गेन फर्दर एज फ्लाइट्स हैड टू रिज्यूम गवर्नमेंट कैप प्राइस। तो देखिए यहाँ पर एयरलाइन स्टॉक इंक्रीज हुए हैं, मतलब शेयर में तेजी आई है जब से फ्लाइट शुरू हुई है, और सरकार ने जो है वो पर्टिकुलर कीमत लगा दी कि भैया इतने प्राइस तक आप चार्ज कर सकते हैं। एक और यहाँ पर खबर है वो ये है कि होपिंग टू ऑपरेट लीस्ट 150 फ्लाइट्स और मई 25 से स्पाइस जेट सीईओ। तो देखिए स्पाइस जेट के जो सीईओ है अजय सिंह, उन्होंने कहा है कि वो उम्मीद कर रहे हैं कि 25 मई से उनकी 150 जितनी फ्लाइट जो है वो ऑपरेट हो जाएगी। तो देखते हैं कि किस तरीके का आने वाले दिनों में इसका
सिचुएशन निकलता है। सबसे पहले हम मनी कंट्रोल में जाए तो मनी कंट्रोल में आप देख सकते हैं कि टेक्निकल रेटिंग अभी काफी अच्छी है इनकी। 90% लोग यहाँ पर खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 10% लोग यहाँ पर बेचने की सलाह दे रहे हैं, 0% लोग यहाँ पर होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं। यहाँ पर हम अगर बात करें तो जरूर कंपनी बढ़िया प्रॉफिट कमा रही है। आप खुद देख लीजिए, दिसंबर में 78 करोड़ का मुनाफा कमाया था, सितंबर में हालांकि 460 करोड़ का लॉस था, लेकिन उससे पहले 260 करोड़ का प्रॉफिट, 72 करोड़ का प्रॉफिट, 65 करोड़ का प्रॉफिट, तो कंपनी मुनाफा तो कर रही थी और स्पाइस जेट काफी अच्छे प्राइस के ऊपर ट्रेड कर भी रहा था। यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल है कि भैया करना क्या चाहिए, खरीदारी करे कि नहीं, बेच दे या नहीं, तो काफी ज्यादा लोगों के मन में क्वेश्चन हो गए। तो मैं आपको सिंपल वर्ड में आपको समझाना चाहूंगा कि अभी फ्लाइट्स को शुरू की जा रही है, ठीक है, अभी कुछ दिन, मतलब जब 25 मई से जब फ्लाइट शुरू होगी, 25 मई से लेकर 5 तारीख तक, मतलब उसके बाद की जो 10-15 दिन है, उसमें ही आपको ज्यादातर लोग ट्रैवल करते हुए देखने को मिल जाएंगे। जिसको जहां पहुंचना होगा वो पहुंच जाएगा, फिर वो वहीं पर रहेगा। जैसे कि मान लीजिए कि कोई मुंबई का बंदा अगर बेंगलोर में फंसा हुआ है, तो फ्लाइट जैसे शुरू होगी वो सीधा बेंगलोर से मुंबई चला जाएगा, फिर वो वहीं पर रहेगा, बाद में वो ट्रैवल नहीं करने वाला है, एटलीस्ट कुछ महीनों तक तो वो ट्रैवल नहीं करने वाला है। तो अभी की भी वही सिचुएशन है, जो लोग जहां पर फंसे हुए हैं, जो बड़ी सिटीज में जो लोग फंसे हुए हैं, वो वहां से निकलकर अपने घर चले जाएंगे। और जिन जिन लोगों को जैसे कि वर्क फ्रॉम होम मिल चुका है, जो आईटी कंपनीज में काम करने वाले काफी लोग हैं जिनको वर्क फ्रॉम होम मिल चुका है, परमानेंटली वर्क फ्रॉम होम मिला है, या फिर नेक्स्ट 3-4 महीने के लिए वर्क फ्रॉम होम मिला है, तो वो लोग क्या करेंगे, अपने सिटी से निकलकर वो अपने जिनको जहां जाना होगा वहां वो चले जाएंगे, फिर बाद में वो लोग वहीं पर रहेंगे, ज्यादा ट्रैवलिंग नहीं होगा। मुझे नहीं लगता कि आने वाले दिन में कोई ज्यादा बड़ी बिजनेस से रिलेटेड ट्रैवलिंग आपको देखने को मिलेगी। तो जिनको जहां पहुंचना होगा वो पहुंच जाएगा, एक बार वहां पर पहुंचने के बाद फिर वो दोबारा उस जगह पे नहीं जाएगा, दोबारा उस जगह पे नहीं जाएगा। तो इसीलिए जो नेक्स्ट 15-20 दिन है तब तक फ्लाइट्स आपको चलती हुई दिखाई देगी, लेकिन उसके बाद आपको फ्लाइट्स में पैसेंजर भी कम दिखेंगे, और तो और ज्यादा ट्रैवलिंग करने वाले लोग भी आपको नहीं दिखेंगे। और जिस तेजी से अगर केसेस बढ़ रहे हैं, उसी तेजी से अगर केसेस बढ़ते रहे तो सेकंड लॉकडाउन के लिए भी हमें तैयार रहना पड़ सकता है, लॉकडाउन 2.0 जिसे कहते हैं, उसके लिए भी हमें तैयार रहना पड़ सकता है। हालांकि 4.0 लग गया है, लेकिन उसके बाद जो नेक्स्ट राउंड का जो लॉकडाउन है, हम कह सकते हैं उसके लिए हमें प्रिपेयर रहना पड़ेगा, क्योंकि भैया केसेस जो है वो बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में स्पाइस जेट से लेकर इंडिगो के शेयर में एक रैली आएगी, अगर आप चाहे तो उस रैली का फायदा उठा सकते हैं अपने शेयर्स को बेचने के लिए, लेकिन मैं उतना एक्टिवली बेचने की सलाह नहीं दूंगा। मैं यही कहूंगा कि अगर आप में पेशेंस है कि 1-1.5 साल तक अगर आप निवेशित रहे तो जरूर आप इसमें निवेशित रह सकते हैं। फ्रेश बाइंग अभी अगर शेयर 50 रुपए से ऊपर चला जाता है, अभी तो शेयर हालांकि कम प्राइस पर है, 45 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा है, अगर 50 रुपए से ऊपर ये शेयर चला जाता है, 50 रुपए से ऊपर अगर ये जाता है, तो मैं खरीदने की एडवाइस बिल्कुल भी नहीं दूंगा आपको। अगेन फ्रेश बाइंग की एडवाइस 50 रुपए के ऊपर मैं आपको नहीं दूंगा। और जिन्होंने खरीदा हुआ है वो चाहे तो अभी होल्ड कर सकते हैं, जरूर शेयर में शॉर्ट टर्म में हमें तेजी देखने को मिलेगी, क्योंकि बिजनेस इनका थोड़ा बहुत बढ़ता हुआ दिखाई देगा आने वाले दिनों में। तो खरीदा है तो होल्ड करें, फ्रेश बाइंग आप चाहे तो शॉर्ट टर्म के लिए खेल सकते हैं इसमें, और 50 रुपए के ऊपर अगर शेयर क्रॉस करता है तब वापस से हमें चेक करना पड़ेगा कि भैया क्या सिचुएशन है, कैसी सिचुएशन है आने वाले दिनों में एयरलाइन सेक्टर को लेकर, और क्या अब और ज्यादा फर्दर खरीदारी कर सकते हैं कि नहीं, वो भी हमें तब चेक करना पड़ेगा। यहाँ पर तो 50 रुपए का शेयर क्रॉस करता है तो थोड़ा सा प्रिपेयर्ड रह जाइएगा, क्योंकि हो सकता है कि उसके बाद आपको थोड़ी बहुत गिरावट भी देखने को मिले, लेकिन मुझे लगता है कि 25 मई तक तो आपको तेजी, सॉरी 25 मई नहीं, लेकिन एटलीस्ट नेक्स्ट 5 दिन तक अगर आपको तेजी देखने को मिल जाएगी, क्योंकि फ्लाइट्स शुरू हो रही है कल से फ्लाइट्स ऑलरेडी शुरू हो रही है, और एक पॉजिटिव इम्पैक्ट के तौर पर ये काम करेगा एयरलाइन सेक्टर के लिए, एक बहुत बड़ा फ्यूल प्रोवाइड करेगा उनको शेयर्स को आगे बढ़ने के लिए। तो ये 5-6 दिन तक तो मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत रैली आपको जरूर देखने को मिल जाएगी यहाँ पर, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा समझ जाइएगा, क्योंकि डेफिनेटली फायदा तो तभी है जब ज्यादा से ज्यादा लोग फ्लाइट में मुसाफरी करें, ज्यादा से ज्यादा पैसा एयरलाइंस के पास आए, लेकिन जिसको जहां पहुंचना होगा वहां पहुंचने के बाद दोबारा इनके जो पैसेंजर है वो धीरे 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 कम होते जाएंगे, और इंटरनेशनल फ्लाइट्स मुझे नहीं लगता कि 3-4 महीने तक शुरू हो सकती है। तो एयरलाइन सेक्टर में शॉर्ट टर्म में रैली की उम्मीद हम कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद की सिचुएशन कैसी होगी ये कहना, ये या फिर ये प्रिडिक्ट करना
अभी के लिए थोड़ा सा मुश्किल है, तो मैं यही कहूंगा खरीदा है तो बने रहो, फ्रेश बाइंग अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन ₹50 के ऊपर मैं बिल्कुल भी सलाह नहीं दूंगा खरीदारी करने के लिए इसमें, ठीक है। और दूसरी बात, खरीदारी करो भी तो SIP मोड में करो, 100 शेयर खरीदना है तो 20 शेयर खरीदो, ऐसा नहीं है कि यहाँ 45 पर शेयर आ गया बाद में 50 तक जाएगा तो वापस 45 पर नहीं आएगा, जरूर आएगा, शेयर में वापस से गिरावट भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो SIP मोड में खरीदारी करो और छोटी छोटी क्वांटिटी में खरीदारी करो, ताकि आप एवरेजिंग जब करना चाहो तब आपके पास पैसा हाथ में हो तो आप एवरेजिंग भी कर पाओ। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और स्पाइस जेट के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।